गढ़ मुक्तेश्वर गंगा मंदिर रहस्य। वैसे तो आपने बहुत से मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको देश के एक बहुचर्चित और रहस्यमय शिव मंदिर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर स्थित मंदिर को प्राचीन गंगा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माँ गंगा के साथ साथ ब्रह्मा जी की एक सफेद मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा मंदिर में एक चमत्कारी शिवलिंग भी है। गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी देखने को मिलता है। देवी गंगा का यह मंदिर शहरी आबादी के एक छोर पर लगभग 80 फीट ऊंचे टीले पर बना हुआ है। यहाँ से गंगा नदी लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हजारों वर्ष से भी पुराना है यह मंदिर। इस रहस्यमय मंदिर की स्थापना कब और किसने की, इसका कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसके अलावा मंदिर की वर्तमान संरचना को बने हुए भी लगभग 600 वर्ष हो चुके हैं। मंदिर से संबंधित मूल इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी किसी के पास नहीं है। मंदिर की सीढ़ियों से आती हैं रहस्यमयी आवाजें। यह मंदिर बेहद ऊंचाई पर स्थित है, ऐसे में मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर तक जाने वाली ये सीढ़ियां रहस्यमयी पत्थर से बनी हुई हैं। जब कोई भी व्यक्ति मंदिर की इन सीढ़ियों पर चढ़ता है या पत्थर फेंकता है तो पानी में पत्थर मारने जैसी आवाज आती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में गंगा नदी का पानी इस मंदिर की सीढ़ियों तक आता था, लेकिन अब गंगा नदी मंदिर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल शिवलिंग पर अंकुरित होती है विशेष आकृति। मंदिर में स्थित शिवलिंग के बारे कीर्तनती है कि इसके ऊपर हर साल कार्तिक माह में अपने आप एक विशेष आकृति अंकुरित होती है। मंदिर के पुजारी की माने तो शिवलिंग के ऊपर अंकुरित होने वाली यह आकृति हर बार अलग आकार एवं रूप में निकलती है। आज तक कोई भी विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इस रहस्य का खुलासा नहीं कर पाए हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो में साझा की गई जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।